सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद क्या दिल्ली के उपराज्यपाल अपने कामकाज में कुछ सुधार करेंगे? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर कुछ समय के लिए ही सही अपनी रणनीति बदलेंगे? यानी क्या दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच छिड़ी जंग में कुछ समय के लिए युद्ध विराम हो जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने 22 फरवरी को मेयर, डिप्टी मेयर और निगम के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने बैठक बुलाने की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली नगर निगम की बैठक बुलाने के लिए आदेश 24 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि मनोनीत सदस्य मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के मुताबिक मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव एमसीडी चुनाव के बाद सदन की पहली बैठक में किया जाना चाहिए। पिछले साल 4 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव हुआ था और नतीजे आने के 2 महीने बीत जाने के बावजूद अब तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया है। एमसीडी की अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मनोनीत सदस्यों के मताधिकार को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी गतिरोध के चलते मेयर का चुनाव नहीं हो सका है। यहां पर यह भी याद दिला दें कि नगर निकाय चुनाव के बाद एमसीडी सदन की पहली बैठक 6 जनवरी को आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सदस्यों के बीच हंगामे की वजह से स्थगित कर दी गई थी। दिल्ली नगर निगम के 250 सदस्यीय सदन में आम आदमी पार्टी को 134 पार्षदों के साथ बहुमत हासिल है। सदन में बीजेपी के 104 सदस्य हैं। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी मनोनीत सदस्यों को मताधिकार देकर जनादेश चुराना चाहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके बाद उपराज्यपाल अपने तेवर में कुछ नरमी लाएंगे और दिल्ली में चल रहा सत्ता संघर्ष थम जाएगा? क्या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच युद्ध विराम हो जाएगा?